नमस्कार। राजस्थान के जोधपुर जिले की सड़कों पर झाड़ू लगाकर अपने दो बच्चों का पालन पोषण करने वाली सफाई कर्मी आशा कंडारा ने इतिहास रच दिया और अब इनकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, और वो भी क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किए। इन्होंने राजस्थान की सबसे कठिन माने जाने वाली राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोग परीक्षा RS परीक्षा 2018 की सफलता परचम लहराने वाले विद्यार्थियों में से कुछ ऐसे भी है जो अन्य युवाओं के लिए मिसाल बनकर उभरे। उनमें से ही एक है जोधपुर की सफाई कर्मी आशा कंडारा। आशा जोधपुर नगर निगम उत्तर में बेहतर सफाई कर्मी कार्यरत है, लेकिन उसने अपने इस कार्य के साथ अनुशासन पूर्वक पढ़ाई कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल होकर बता दिया कि वह किसी से कम नहीं है। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू निकालने वाली आशा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हो गई। आशा की सफलता कहानी उस कहावत को पुख्ता करने के लिए बेहतरीन उदाहरण है, जिनमें कहा गया कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और वास्तव में नहीं है, चाहे फिर परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आशा ने RS 2018 परीक्षा में आशा ने 728वें रैंक प्राप्त किए, और आशा कंडारा पिछले कई वर्षों से नगर निगम में अस्थायी सफाई कर्मी के तौर पर कार्यरत है, और वह जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाती है। आशा कंडारा के दो बच्चे हैं और 8 साल पहले पति से अनबन हो गई थी। पति से अलग होने के बाद वह अपने बच्चों का पालन पोषण खुद ही कर रही थी, लेकिन आशा ने हिम्मत नहीं हारी और बुलंद हौसलों के चलते वह नगर निगम में अस्थायी सफाई कर्मचारी की नौकरी करती रही और साथ में पढ़ाई भी जारी रखी। आशा ने हाल ही में 12 दिन पहले नगर निगम में सफाई कर्मी के तौर पर स्थायी नौकरी की सौगात मिली थी। वही बता दें कि आशा के सिर पर दो बच्चों की जिम्मेदारी है, और बावजूद इसके आशा ने पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ा। दिन में सफाई का काम करना और समय मिलने पर किताबों की संगत करने से आशा की जिंदगी बदल गई। आशा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष की राह में कड़ी मेहनत को चुना, और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने RS परीक्षा के तमाम 3 चरणों प्री एग्जाम, मुख्य एग्जाम और इंटरव्यू में सफलता का परचम लहराया। RS में चयन होने पर आशा कंडारा बताती है कि नगर निगम में काम करने के दौरान वह स्कूटी से जाती थी, जहाँ ड्यूटी होती वह झाड़ू निकालकर साफ सफाई करती, लेकिन नगर निगम में बैठे अफसरों को देखकर उसके मन में भी अफसर बनने का जुनून पैदा हुआ, और ग्रेजुएशन करने के बाद उसने RS की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार कड़ी मेहनत रंग लाई और आज उसका सपना पूरा हो गया।